हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले कैसे आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर को बढ़ा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि जुन्नू की टेक, मिस्टर आदित्य टेक और मंगेश कुमार जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपने चैनल पर यूज़ करते हैं। और इस ट्रिक का पूरा प्रूफ भी मेरे पास है जिससे आप लोगों को अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो तो वीडियो एंड तक ज़रूर से देखते रहना। तो अभी मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही प्रूफ दिखा देता हूँ। तो प्रूफ के लिए मैं जो है जुन्नू की टेक यूट्यूब चैनल को ओपन करता हूँ, जो कि एक यूट्यूब टिप्स का ही चैनल जिस पे 1 मिलियन से ज़्यादा अभी सब्सक्राइबर है। तो अगर आप यूट्यूब टिप्स रिलेटेड वीडियोस देखते हो तो आप लोग जुन्नू की टेक को ज़रूर जानते होंगे। तो अभी मैं आप लोगों को उस ट्रिक के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप एक वीडियो देखो जो कि 19 घंटों पहले अपलोड किया गया है, और इस वीडियो में जो है जुन्नू की टेक ने मनोज दे और टेक्निकल योगी दोनों का नाम यूज़ किया है और दोनों के थंबनेल में फ़ोटो ऐड की है। तो इससे हुआ क्या, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। अगर आप जुन्नू की टेक के बाकी वीडियोस देखो जो कि 1 दिन पहले वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था न्यू चैनल को ग्रो कैसे करना है, इस वीडियो पे 1 दिन में सिर्फ 27,000 व्यूज़ आए हैं। और जिस वीडियो में जुन्नू की टेक ने टेक्निकल योगी और मनोज दे का नाम यूज़ किया है, उनकी फ़ोटो यूज़ की है, उस वीडियो पर आप लोग देख सकते हो 19 घंटों में 42K व्यूज़ आ चुके हैं। तो आप लोग व्यूज़ का डिफरेंस देख सकते हो, 1 दिन अभी कम्प्लीट भी नहीं हुआ है और व्यूज़ कितने ज़्यादा आए हैं। वही अभी मैं आप लोगों को जो है मंगेश कुमार का चैनल बता देता हूँ। तो अभी मैंने जो है मंगेश कुमार का चैनल को ओपन कर लिया है। यहाँ पर अगर आप देखो 4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की गई थी और 5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की गई थी। तो 5 दिन पहले जो वीडियो अपलोड की गई थी उसमें जो है कुछ अपडेट के बारे में बताया गया था और 5 दिन में 13,000 व्यूज़ आए हैं। जबकि 3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की गई है जिसमें इन्होंने मनोज दे, टेक्निकल योगी के साथ साथ और भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स की फ़ोटो यूज़ किए थंबनेल में और टाइटल में उनका नाम यूज़ किया है। तो इस वजह से उनके जो है 3 दिन में 43K व्यूज़ आ चुके हैं। और 1 दिन पहले जो वीडियो अपलोड की गई थी उस पर 27,000 व्यूज़ आए, जिसमें उन्होंने जो है मनोज दे के थंबनेल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। मनोज दे ने जो वीडियो बनाया था हमें ही कुछ करना होगा अपडेट के ऊपर वाला, तो मंगेश कुमार ने भी उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसके ऊपर एक वीडियो बनाई। तो मनोज दे के नाम यूज़ करने की वजह से 1 दिन में 27,000 व्यूज़ आए हैं। जबकि अगर आप देखो 5 दिन पहले जो अपडेट वाली वीडियो थी उस पर सिर्फ 5 दिन में 13,000 व्यूज़ आए, और नाम यूज़ करने की वजह से 1 दिन में 27,000 व्यूज़ आ गए। ऐसे ही अगर आप लोग मिस्टर आदित्य टेक यूट्यूब चैनल को देखोगे तो उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी वीडियो अपलोड की अपने चैनल पर जिसमें उन्होंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम यूज़ किया है। तो इससे होगा क्या, अभी मैं वो आपको बताता हूँ। तो पहले अभी हम लोग ट्रिक को अच्छे से समझ लेते हैं कि आप लोगों को कैसे इस ट्रिक को यूज़ करना है। तो ये वाली जो ट्रिक है जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक जो है सिर्फ टेक चैनल के लिए नहीं, बाकी हर एक कैटेगरी के चैनल के लिए काम करेगी। ये ट्रिक जो है व्लॉग चैनल के लिए भी, कुकिंग चैनल के लिए भी काम करेगी, हर एक कैटेगरी के चैनल के लिए काम करेगी। तो आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है, अगर मैं आपको जुन्नू की टेक का एग्जांपल दूँ, जुन्नू की टेक के चैनल का एग्जांपल दूँ, तो वहाँ पर जो उनके 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है उसके बावजूद वो जो है दूसरे उनसे जो बड़े क्रिएटर हैं उनका नाम यूज़ करके वीडियो बनाते हैं। तो इससे होता क्या है, जब हम किसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो हम जो है उसका नाम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और हैशटैग भी उनके नाम का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि हमारी जो वीडियो है उस बड़े क्रिएटर के वीडियो के नीचे सजेशन में आने लगती है, या जो बड़े क्रिएटर को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन लोगों को हमारी वीडियो रिकमेंड में आने लगती है। वहीं अगर आप कोई नॉर्मल वीडियो बनाते हो, जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाई थी ट्रिक के ऊपर कि कैसे आपको सब्सक्राइबर बढ़ाना है, तो इस वीडियो में मैंने ना ही मनोज दे का नाम यूज़ किया है ना ही मनोज दे के बारे में कुछ बताया है। तो अगर ऐसे में मैं हैशटैग यूज़ करूँ मनोज दे के नाम का या टैग यूज़ करूँ मनोज दे के नाम का, तो हो सकता है कि मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आए क्योंकि मैंने बेवजह किसी का नाम यूज़ किया है और मैंने वीडियो में कुछ और बताया है। तो अगर आप अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर देखो 2 तरीके, या तो आपको अपने वीडियो को सर्च में लाना पड़ेगा टॉप में और ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना पड़ेगा जो कि डिमांड में है, और दूसरा तरीका यहाँ पर यह है कि आप लोगों को बड़े यूट्यूबर्स को टारगेट करना होगा, उनके ऊपर वीडियो बनानी होगी। इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने मनोज दे को टारगेट करते हुए वीडियो बनाई और आपके 100 सब्सक्राइबर हैं, तो अगर आप टाइटल में मनोज दे लिखोगे या हैशटैग में मनोज दे लिखोगे, तो इससे यूट्यूब जो है आपकी वीडियो मनोज दे के जो सब्सक्राइबर है उन तक पहुँचाएगा, क्योंकि वो लोग जो है यूट्यूब पर आके मनोज दे को सर्च करते हैं। तो ऐसे में सर्च करने पे भी आपका चैनल आ सकता है, आपकी वीडियो आ सकती है, और अगर यूट्यूब आपके वीडियो को रिकमेंड में भेज देता है, क्योंकि मनोज दे के जो सब्सक्राइबर है वो काफ़ी ज़्यादा है, अगर उनके सामने आपकी वीडियो आ जाती है मनोज दे के वीडियो के नीचे रिकमेंड में, तो 100% चांस है कि वो आप लोगों की वीडियो भी देखने आएंगे। और सेम चीज़ जो है जुन्नू की टेक और मंगेश कुमार जो है फॉलो करते हैं। अगर आप देखो तो मैंने आप लोगों को व्यूज़ का कंपेयर भी करके बता दिया है कि नॉर्मल वीडियो पे उनके कितने व्यूज़ आते हैं और जब वो किसी का नाम यूज़ करते हैं तो उनको कितने ज़्यादा व्यूज़ मिल जाते हैं 1 ही दिन में।
तो व्यूज जितने मिलते हैं उसके आपको 10% भी अगर सब्सक्राइबर मिल जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। अगर आपको जितना व्यूज आ रहा है उससे 10% भी अगर सब्सक्राइबर मिल रहे तो वो काफ़ी अच्छी बात होती है। तो अगर आप लोगों को 2022 में अपने चैनल पर सब्सक्राइबर को बढ़ाना है तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ ऐसे वीडियो के टॉपिक बनाने होंगे जिसमें आप लोग दूसरे यूट्यूबर का नाम यूज़ कर पाओ। अगर आप नॉर्मली वीडियोस अपलोड करते जाओगे तो यूट्यूब टिप्स कैटेगरी में ऑलरेडी बहुत सारे लोग आ चुके हैं और बहुत सारे लोग ग्रो भी कर चुके हैं। ऐसे में आपका ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर आप नॉर्मली वीडियोस अपलोड करते जाओगे। तो मेरी रिकमेंड तो आप लोगों के लिए यही है कि अगर आप लोगों को ग्रो करना है, सब्सक्राइबर आपके बढ़ाना है, तो आप लोगों को दूसरे यूट्यूबर्स को टारगेट करना होगा और उनके सब्सक्राइबर तक आपकी वीडियो पहुंचाना होगा। अगर यूट्यूब ऑर्गेनिकली आप लोगों को प्रमोट नहीं कर रहा तो आप लोगों का काम है कि अपने वीडियो को खुद आप लोग प्रमोट करो दूसरे यूट्यूबर के रिकमेंड में लेकर आके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर से ऑन कर लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।